बच्चों के सिर से पिता का साया हटते ही माँ भी अपने दो बच्चों को छोड़कर अन्यत्र दूसरे व्यक्ति के साथ एक छोटे बच्चे को लेकर रहने के लिए चली गई। उक्त दोनों बच्चों की परवरिश का जिम्मेवारी आप बूढ़ी दादी झिंगी तोपनों के सिर पर आ गई, लेकिन उम्र पेंशन भोगी होने के बावजूद आधार कार्ड में कम उम्र होने के कारण नहीं मिल रहा है पेंशन, जिससे हो रही है अब आर्थिक परेशानी। ये मामला है गुमला जिले के कामदारा प्रखंड क्षेत्र के रामतोलिया पंचायत के अंतर्गत गांव उर्मिंजा का। जानकारी के मुताबिक गांव उर्मिंजा निवासी स्व सुकरा की मौत लगभग 4 वर्ष पूर्व हो गई है। बताया जाता है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या किया था। इधर उसके मौत के 3 वर्ष बीत जाने के बाद इधर गत वर्ष उसकी विधवा पत्नी अपने दो छोटे छोटे मासूम बच्चे सुखमनी तोपनो उम्र 12 वर्ष और टुना तोपनो उम्र 10 वर्ष दोनों को छोड़कर अन्य दूसरे व्यक्ति के संग अपने एक 6 वर्षीय बच्चे को अपने साथ लेकर दूसरे स्थान पर चली गई और अपना अलग घर बसा ली है। इधर उक्त दोनों मासूम बच्चों की परवरिश की जिम्मेवारी अब उसकी 70 वर्षीय दादी माँ के सिर पर आ गई है। हालांकि उसे पीडीएस दुकान से राशन तो मिल जाता है, लेकिन उसे आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस बूढ़ी उम्र में वह कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती है। वृद्धावस्था पेंशन के संदर्भ में जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके आधार कार्ड में उसकी उम्र सन 1974 अंकित की गई है, जिसके वजह से उसे वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिलता है। अब दोनों बच्चों की परवरिश में सहयोग और बूढ़ी दादी माँ की वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकार प्रशासनिक अधिकारियों की ओर उसकी आस भरी पथराई निगाहें टिकी हुई है। बच्चों की दादी से बातचीत करने पर उसने बताया कि राशन के अनाज से किसी प्रकार बच्चों को खाना खिलाती है। दोनों बच्चे समीप गांव के स्कूल में प्रतिदिन पढ़ाई करने जाते हैं। पर यदि वृद्धा पेंशन बन जाता है तो बहुत हद तक बच्चों की परवरिश में दादी माँ को आसानी होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।